शाम के 8 बज चुके हैं और मैं अभी सो के उठी हूँ। सो के मतलब कि नींद नहीं आई थी, बट ऐसे रेस्ट कर रही थी। और अभी डिनर का टाइम हो चुका है। डिनर में क्या बनाना है आई डोंट नो, बट फिर भी मैं, मेरे पास इधर पत्ता गोभी पड़ी हुई है, बट मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं रोटी सब्जी बनाऊं या फिर दाल चावल बनाऊं। नहीं, मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना पत्ता गोभी के परांठे बनाऊं। तो मैंने पत्ता गोभी के परांठे नहीं बनाए, बट ट्राई करने क्या जाता है। अच्छे बनेंगे तो अच्छी बात है, अगर अच्छे नहीं बनेंगे तो क्या ही पता चलेगा किसी को। तो चलिए फिर बनाते हैं पत्ता गोभी के परांठे। मैं ऐसे फेस शो करके वीडियो बना रही हूँ, मुझे नहीं बनाने आते। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं इधर देखूँ या फिर ऐसे देखूँ। सो हियर यू कैन सी पत्ता गोभी, जिसका कि बाहर वाला पत्ता बहुत ही खराब हो चुका है। तो हम इसको सबसे पहले निकालेंगे और फेंक देंगे। फिर पत्ता निकालने के बाद हम इसे वॉश करेंगे। ये मैंने थोड़ी सी धोई है, धो के रखी है, क्योंकि मेरे लिए इतनी ही काफी है। एंड अब हम इसे कद्दूकस करेंगे। ये हमारी पत्ता गोभी कद्दूकस भी हो गई। अब इसमें आपको इसकी शक्ल देख के लग रहा होगा ना कि इसमें पानी पानी सा हो गया है, मतलब कि है ना। और मैंने नमक भी नहीं डाला, बट फिर भी इसका हम पानी निकालेंगे सबसे पहले, फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये हमारे परांठे के लिए स्टफ रेडी हो गया। अभी मतलब रेडी नहीं हुआ, बट फिर भी ये हमारे परांठे के लिए स्टफ है। इसमें मैं मसाले बाद में ऐड करूंगी, सबसे पहले मैं आटा गूंथ लेती हूँ। ये हमारा आटा बन के भी रेडी हो चुका है, तो फिर अभी मसाले डालते हैं स्टफिंग में। मैंने सोचा था कि मैं आज गाने में चलाऊंगी, जब तक मैं वीडियो शूट करती हूँ तो मैं गाने नहीं चलाऊंगी। रहा नहीं जाता गाने के लिए। तो अभी मैं मसाले डाल रही हूँ इसमें, गोभी में जो हमने कद्दूकस की थी। तो मसाले में ज़्यादा कुछ भी नहीं है फिलहाल मेरे पास, नमक हल्दी मिर्च जीरा वगैरह यही है। बाकी आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं मसाले में, जो भी होते हैं जिसके पास जितने ज़्यादा मसाले उतने टेस्टी खाना। मेरे पास हरी मिर्च है, जो कि नमक पर हरी मिर्च ज़रूरी है मेरे लिए, बाकी कुछ हो ना हो पता ही नहीं चलता मुझे। कोई और तो हल्दी की भी याद नहीं रखती। तो मसालों में फ़िलहाल मेरे पास यही था, हल्दी ज़ीरा हरी मिर्च लाल मिर्च पाउडर, और सबसे लास्ट में मैं नमक डालूँगी। नमक मैं अभी नहीं डालूँगी, जब मतलब मेरा इधर
आटे का पेड़ा वगैरह जब वो सब कुछ हो जाएगा मैं तभी नमक डालूँगी, क्योंकि नमक डालते ही मतलब पानी बन जाता है ना, तो मतलब पानी पानी हो जाता है वो सब्ज़ी, तो मैं अभी नहीं डालूँगी नमक, लास्ट में ऐड करूँगी। ठीक है, मेरी मम्मा ने घर से आटा भेजा था और माँ तो माँ ही होती है बेचारी, आटा भी छान के ही भेज दिया था और देसी घी चावल चीनी सब कुछ भेज दिया था मम्मा ने, और तो और कह रहे थे कि मैं दूध की बॉटल भी भेजती हूँ बड़े वाली। अरे भाई मैंने कहा दूध इतनी दूर से भेज रहे हो, एक तो गर्मी है इधर बहुत ज़्यादा, ख़राब हो जाएगा। तो फिर अभी मैं ऐसे इसका पेड़ा और आरी बना के अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। मुझे वैसे मैं इतनी हूँ इतनी बड़ी हूँ, ठीक है, मुझे ऐसे रहना पड़ रहा है वीडियो के लिए, नमक ज़्यादा ना हो जाए। अब हो गई है, मैंने अच्छे से मिक्सअप कर लिए हैं सारे मसाले, बनाते हैं। अभी मैंने तवा भी नहीं रखा है गैस के ऊपर, तो सबसे पहले मैं ये दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल सिंपल सिंपल सा होता है। रोटी बनाने का इतना एक्सपीरियंस तो हो ही चुका है, जब इसको बेलेंगे इसकी रोटी बनाएंगे परांठा बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और इधर ये 10 रुपए की गोभी लेके आई थी, मुझे नहीं लगता 4 दिन तक यही खानी पड़ेगी, ख़त्म ही नहीं हो रही। और 3 दिन मटर खाए 20 रुपए के लेके आई थी और वो भी ख़त्म नहीं हो रहा। ये मेरे परांठे बनके रेडी भी हो चुके हैं, अब मैं अचार के साथ खाऊंगी, साथ में चाय भी बनाई हुई है। अब कुछ लोग कहेंगे कि रात को परांठे कौन खाता है, अरे भाई हम पहाड़ी हैं, ठीक है, तो फिर हम परांठे खाने के लिए सुबह तक का वेट नहीं कर सकते, हम कभी भी खा लेते हैं। ओके गाइस, सो रात के 11 बज चुके हैं और मैंने इंस्टा करना है फिल्टर सेव किया है, रात के 11 बज चुके हैं, भूतनी आप लोग देख सकते हो। हेलो गाइस, आई होप आप लोगों को मेरी वॉइस अच्छी आ रही हो इस वीडियो में गाइस, अच्छी इन द सेंस गाइस कि मैं जोर से बहुत लाउडली मैं बात नहीं कर पाती, मैं नॉर्मली भी ऐसे ही बात करती हूँ, तो आपको हो सकता है वॉल्यूम फुल करके मेरी वीडियो देखनी पड़े, बट कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं ना। ओके गाइस, सो अब मैं लेती हूँ आपसे अलविदा गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।